हेलो गाइस, वेलकम बैक इन रौनक्स व्लॉग। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों व्लॉग में हूँ और रौनक कहाँ है। रौनक थोड़ा सा बिज़ी है और गलती से वो अपना फ़ोन भूल गया, तो मैंने सोचा मैं व्लॉग स्टार्ट कर लूँ। और हम आए थे एक्चुअली एक एक्सपो के लिए और कट, हम कट, आ कट, गए कट, हैं कट, में। कट कट झूठ 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 झूठ। तो इसने मेरा फ़ोन ज़बरदस्ती छीन लिया था, बोली आज मैं तुम्हारा व्लॉगिंग चैनल लूंगी अपने हाथों में, जो कि इसने बहुत बुरा हगा है। सो मैं मुझे उसे बर्बाद करना था, तो मुझे फिर से इंट्रो करना पड़ेगा, रुक जा यहीं पे। सो हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमें जाना था कहीं बाहर और हमारे दोस्त ने हमें दे दिया धोखा, तो उस धोखे की वजह से हमें आना पड़ा है वेव, जो कि हमारे घर के बगल में ही था। और यहाँ पे मैं ब्लॉक कर तो रहा होते चीख चीख के, बट मुझे बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस हो रहा है, हमें लोग घूर रहे हैं। और हम आए इसलिए कि रौनक रेडी हो चुका था, अगर रौनक रेडी ना हो तो ना तो हम कभी मैं रेडी होके बैठू, और हमेशा एक घंटे में रेडी होता, आज 15 मिनट में रेडी हो गया, मैंने 4 बजे का था, 3:30 बजे रेडी हो गया। तो मेरी इतनी चली है ना आज, तो मैंने सोचा यार मुझे कहीं तो जाना है, तो फिर हमने डिसाइड किया अभी पहले हम यहाँ आ जाते, फिर हम देखेंगे हमें कहाँ जाएंगे। सो अभी इतना ही है, अभी हम लोग जाएंगे अंदर थोड़ा टहलेंगे, और अगर कुछ खाने का मन करेगा तो खाएंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हम आगे क्या करने वाले हैं। और ये देखो मैंने करा लिया पियर्सिंग, इनका वैलेंटाइंस डे ख़त्म नहीं हो रहा है, हमारे जले पे नमक छिड़कने से बाज नहीं आ रहे हैं लोग। ये है मेरा लेवल, क्या कहते हैं इसको, कौन सा कलर है, पर्पल, तो पर्पल है। और ये है पर्पल, वीडियो हम लोग सिमिलर लग रहे हैं। और ऐसी कैसे दिखा रही, तो मेरे से बिना पूछे ना दिखाते हैं। पिंक बेब बन के क्यों आई हो ये बताओ। बिल्कुल, अब ये जा रही है जबरदस्ती यहाँ बैठने बच्चों के झूलों पे, मतलब बच्चों की ये ट्रेन है, मत बैठो यार, बेइज्जती कराओगी प्रिया, भाग दो यहाँ से, भैया देख रहे हैं हमें, स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, फोटो नहीं ले सकता मैं, मैंने फोटो लेने वाला काम खत्म कर दिया, मैं फ्री में किसी फोटो। अभी हमारा दोस्त भी आने वाला है जिसने हमें बहुत बुरा धोखा दिया है, मैं तो उससे तो बात मैं सोच रहा हूँ मैं उसे बात भी नहीं करूंगा। अब देखो वो आता भी है कि नहीं, अगर ये व्लॉग कंप्लीट हुआ तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो आज आया था कि नहीं। अगर वो लेके आ रहा तो तुम देख लेना वो ड्रेस, ये अभी भी अपने कपड़ों के लिए ही रो रही है, इसके साथ मैं आना नहीं चाहता हूँ इसी वजह से, इसका यही रीज़न है, मतलब आज तक मैं जब भी इसके साथ आया हूँ उसको कुछ ना कुछ खरीदना होता है, और उसने मेरे को इरिटेट कर देती है बोल बोल के। सैड लाइफ गाइस, झेलना पड़ता है। अगर तुम्हारे दोस्त भी ऐसे हैं तो तुमको पता होगा, कमेंट प्लीज, क्योंकि मैं तारीफ कर रहा हूँ। तुम्हारे को अनसब्सक्राइबर्स को रिस्पेक्ट दो, तुम्हारे को क्या होता है? अरे तुम्हारे वो मेरे एज के हैं ना, वो मेरे एज के हैं, तो मैं उनको तुम बोल सकता हूँ ठीक है। ये क्या कर रही हो यहाँ पे, तुमको मैं भिखारी दिख रहा हूँ, तुम मुझे 1 रुपए का सिक्का दे रही हो, बहुत सिक्के वैसे तुम्हारे पास, लाओ मुझे दे दो। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ही है यार, मैंने सोचा था कि 25 होंगे, तो 100 रुपये और हैं, और 50 रुपये तेरे से लूंगी और मैं नेक्स्ट रोड खरीद लूंगी। यार देखो गाइस कितनी गरीबी है, इसीलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब करो जल्दी से, बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, सब्सक्राइब करो यार गाइस, 2 रुपए का लाइट। बहुत गरीबी है गाइस, 1 रुपए हाथ में मेरे, मैं कैसे खाऊं, वो भी ले लिए 1 रुपए हाथ आया था, वो भी इस नालायक लड़की ने मेरे से छीन लिया। हम अंदर क्यों नहीं जा रहे, मुझे ये समझ में नहीं, हम मॉल के मैं एक कपड़े खरीदने के लिए फंड रेजिंग ऐप बनाने, हम लोग इसी कपड़े की वजह से अभी तक अंदर नहीं जा पाए गाइस, समझ रहे हो तुम, दुख हमारा कपड़े के लिए अभी 200 रुपए जुगाड़ कर रही हूं। यार लोग क्या सोच रहे हैं, हमें कितने चेपड़ हैं, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, व्हाट इज दैट चेपड़, व्हाट इज दैट चेपड़, डोंट बिहेव लाइक अंग्रेज, बहुत अमीर अमीर लोग हैं, हमारी बेस्ट जिंदगी, हम बहुत जिंदगी कर रहे हैं यहाँ पे। अब मैं अभी कुछ देर बाद ब्लॉक करूंगा गाइस, भाग जा श्रीलंका, भाग इतने पैसे, दिस वाला ओटीडी इज लुकिंग वेरी नाइस। देखो हमारा नया इन्फ्लुएंसर, गूंगे होने की जो तुम एक्टिंग कर रहे हो ना मेरे व्लॉग में बेटा, बहुत बुरा हो रहा है ये। ये क्या है? ये क्या है भाई? गाइस न्यू फैशन, कुछ टिप्स ले लो आप तनिष से, मत कर इतनी बेइज्जती, 50 रुपए नहीं होते, ले लो 100 रुपए ले लो, ठीक है मैं इसको दे दूंगी चिल्लर इसके बदले। चिल्लर की कमी नहीं है गाइस, 50 रुपए आए थे, ये लो चिल्लर, पैसों का जुगाड़ हो गया।
फाइनली अब हम कुछ कर सकते हैं। पर तो पैसे नहीं थे तुम्हारे पास, अभी सीधे ये कहाँ से आ गया? क्या किया है तनिष्ठ ने बताओ? दादी की दवाई का पैसा चुरा ली सर। आज का मेन फोकस इस पर रहने वाला है। ये पैंट ये पहले भी पहन चुका है, मैंने देखा है इसको पहनने में। तुम लंबे जूतों की वजह से हुए हो। हाँ? तुम लंबे जूतों की वजह से। वो तो है ही, और भी लंबा भी हो गया। अब तुम तो छोटी होती जा रही हो, तुम क्या कहना चाहोगे इस पर? वुमेन शॉपिंग डन गाइस। ये बेवकूफ बना रहा था मैं। मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? देखना भी नहीं है। एक मिनट, ये मत सोचना कि हमारे पास पैसे नहीं खाने को, पैसे हमारे पास बहुत है, ठीक है, लेकिन खाना नहीं चाहिए। बताओ पैसे कहाँ है? अंबानी के अकाउंट में। तो अंबानी मेरे को भेजता रहता है टाइम टाइम पे। तू जाती हो रहा है? तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। खाने का तरीका है खाने का, रौनक यू डोंट हैव मैनर्स, यू डोंट हैव मैनर्स। कैसे खाते हैं? आते आते हो बाहर खाने? ये किस सोच में है? कौन सी सोच में हो? कौन से सोच में हो? ये लड़कियों की तरह हरकत क्यों कर रहे हो? हेलो, भूखी है बे? कब के जन्मों की भूखी है क्या? अजीब जानवर है, जितना भी खाए भूखा ही रहता है। भाग गई, तुमने डरा दी। रौनक पापा बन गया तो कैसा लगेगा? मेरी फ्यूचर प्लानिंग मत करो अभी। ऐसी पेट बड़ा हो जाएगा उसका, पेट बड़ा हो जाएगा। कह रहे थे कि मैं पापा बनूंगा तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अपने बच्चों को कपड़ा पहनाऊं कि मैं कपड़ा पहनूं। तुम्हें पापा बनाएगी कौन? वो मेरे ब्लॉग के थ्रू कोई ना कोई आ जाएगी। Oh, oh my God! देखो ओवर कॉन्फिडेंस गाइस इसे कहते हैं। बोलो। देखो पहले से इंग्लिश इतनी अच्छी है कि अपने बर्थडे पे कह रहा था कि मुझे नॉन एगलेस केक चाहिए। क्या कहना चाहोगे? तो नॉन एगलेस का मतलब क्या होता है? नॉन का मतलब क्या होता है? लेस का मतलब क्या होता है? नॉन एगलेस का मतलब गाइस डिबेट शुरू हो गई है। मुझे इतने हंसने की क्या वजह है बताइए मैडम? फोर्थ वाला। अरे मैडम, हिज रिएक्शंस। यार इतना क्यों हंस रही हो मैं? तुम कुछ मिल 24 आवर्स लेटर। वो क्या है ना, मैं भाग तो गई। तुम्हारी मम्मी ब्लॉग देख रही है, बोलना मत। गाइस हम लोग ने बहुत चूतिया, सॉरी गाली नहीं देने, तो हम लोगों ने बहुत बकवास कर ली है। और इसका पैंट देखिए अभी, और अब हम जा रहे हैं कहीं बाहर। ये हम लोग जाने वाले थे नहीं, बट मैंने ही इनको बोला कि नहीं चलो मेरे व्लॉग में आना चाहिए। मैंने अब स्नैप नहीं लिया है, तो देखा मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। स्नैप नहीं ले पाई हूं मैं। तो हम लोग वैसे फाइनली, मुझे पता नहीं मैं आने का वाले, हम लोग आए हैं यूपी टेक्स। ये है एक ट्रेडिंग एग्जीबिशन, क्या है
है क्या ये? अच्छा ट्रेड एक्सपो है, तो अभी हम बाहर ही खड़े हैं, हमारा फ्रेंड गया गाड़ी पार्क करने, फिर अभी हम साथ में जाएंगे अंदर देखने क्या है। मैं चिल्लर गिन लूंगा, बस पैसे तो मैं हटा लेता हूँ यार, ये चश्मा बहुत हो गया, अंधेरा होने वाला है। मैं चिल्लर गिन लूंगा। गिन लो। प्रायोरिटीज टिकट इसका 20 रुपीज़ का है ओनली। वैसे एंटर करने वाले हैं और आई डोंट थिंक ज़्यादा देर रुकने वाला हूँ मैं यहाँ पे, बस थोड़ा थोड़ा मैं छोटा छोटा दिखा दूँगा, क्लिप्स आप देख लेना, और अगर आप चाहो तो ये आ सकते हैं। एंटरटेनमेंट का पूरा इंतजाम है गाइस। तनिष्क तुम्हारे मतलब की चीज ट्राई तो करो, तनिष्क के मतलब की चीज दिखाऊं। लड़कियों के लिए ही अच्छी जगह है वैसे ये, मेरे तो किसी मतलब का नहीं है। यहाँ पे हैंडमेड आइटम्स भी बहुत सारे दिख रहे हैं मुझे। गुड प्लेस, ये पसंद आ रहा है। ये कैसा लग रहा है बताओ? तमीज तो इसमें तो कुछ है भी नहीं, प्लेन ब्लैक था जो मैं लू, वरना मैं ले लेता। इसमें कुछ प्लेन नहीं है क्या? ब्लैक कलर है सिर्फ, ब्लैक जैसे ये लेयर्स में सिर्फ। ये क्यूट लग रहा है, ले सकती है। ये कुछ मतलब का लग रहा है बट इसमें मेरे लाइफ को ज्यादा कुछ है नहीं। आई डोंट नो मुझे ये लेना चाहिए कि नहीं, बट मुझे लग रहा है मुझे ये ले लेना चाहिए। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तुम क्या ले रहे हो? तुम लोग से लग ही नहीं रहा एक बैंड भी। पतले से हाथ में थोड़ा सा रौनक आ गया है। रौनक रौनक तुम्हारी पतली सी हाथ में पतली सी रौनक आ गई है। गाइस मैंने ये फाइनली ले लिया है, आई डोंट नो कितना अच्छा लग रहा है बट मुझे अभी अच्छा लग रहा है, मैंने ले लिया। तुम दिखाओ तनिष्क का अपना, इसने भी कुछ सिमिलर ही लिया बट ये ब्लैक है। शॉपिंग डन। तुम तुम्हें क्या लिया? दोनों से पैसे लिए। और क्या चाहते हो? दुख दर्द पीड़ा। सो दिस वॉज इट फॉर टूडेज वीडियो, और अभी हम घर जा रहे हैं। सो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, एंड डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, और मिलते हूँ एक नए ब्लॉग के साथ।